तो अभी थोड़ी बारिश शुरू हुई है तो ऊपर जो धुंध थी वो थोड़ी हट गई है, तो आपको बर्फ साफ दिखाई दे रही होगी। हेलो, तो कैसे अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो आज अपन श्रीनगर से गुलमार्ग जा रहे हैं बाइक पे, बाइक लिए रेंट पे, क्लासिकल बुलेट क्लासिकल, तो उसका 1200 रुपये रेंट है एक दिन का। तो देखते हैं, एक दिन रखनी है, दो दिन रखनी है। पहले आप चलते हैं गुलमार्ग, और एक कांड हो गया छोटा सा, अपना जो मोनू भाई है वो रुस गया, उसको कुछ कह दिया था तो अभी वो नाराज है, तो वो कहता मैं नहीं जाऊँगा, सो रहा है वो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सो रहा है। अभी नहीं जाना क्या तूने? मेरे को नहीं जाना। हैं? नहीं जाना यार। तो ये रुस चुका है, नाराज हो गया ये। तुम चल जाओ दोनों दोनों बाइक पे, मेरे को नहीं जाना। तो बाइक पे तीन तो वैसे भी नहीं जा सकते, अगर तू जाएगा तो बाइक दो लेनी पड़ेगी। तो मेरे को जाना भी नहीं रहा भाई। नहीं जाना क्यों नहीं, फिर क्या हो गया यार, कुछ कह दिया तो कह दिया। यार ऐसे तो ना होता, हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहना यार। आजा चलिए। नहीं नहीं आजा आजा तो भाई प्लीज यार ना कर, मम्मी की कसम लगेगी तेरे को, मम्मी की कसम लगेगी। अबे तू एक क्यों, मैं जो हर टाइम क्रिटिसाइज करता रहता है यार तू। आजा आजा आजा। नहीं यार आजा आजा आजा, मेरे को नहीं आना। आजा आजा आजा, चल चल मैं भाई के पास जाऊंगा, मैं भाई के पास जाऊंगा भाई, नहीं जाना मेरे को। तो इसको बनाएंगे 10-15 मिनट में, टाइम लगेगा, ये थोड़ा टाइम लेता है, ये नाराज हो जाता है कभी कभी बीच बीच में। तो इतनी देर आप नीचे चलते हैं, विनोद पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको भी ढूंढते हैं। क्या अभी तक नहीं आई क्या बाइक? बाइक नहीं आई तो अभी तक बाइक वाला नहीं आया बाइक लेके, वो कहता मैं आपके होटल में पहुंचा दूंगा। तो मोनू मान गया, मैंने कहा था 10-15 मिनट में मान जाएगा, तो मान गया, ऊपर से आ रहा है। मान गए क्या? मान गया। और निकल गई हुआ, कितनी दूर चला जाएगा? यहाँ से सीधे जाकर आपको आगे जाके फ्लाईओवर से उतरोगे ना, पहला सिग्नल ही दूसरे सिग्नल में राइट साइड। तो अपनी बाइक आ चुकी है, अपन भी अजय रॉयल एनफील्ड, तो आज ना भैया अपने को घुमाएंगे गुलमार्ग, ठीक है? तो चलो चलते हैं। गुलमार्ग है यहाँ से 48 किलोमीटर। तो श्रीनगर से निकलते ही पहला जो शहर आएगा वो है टंग मार्ग, ये टंग मार्ग है। तो रास्ते में कुछ टाइम रुके हैं फ़ोटो शूट लेने के लिए, तो पीछे काफ़ी अच्छी लोकेशन है, हमने मिला था तीन चार फोटो निकाल लेते हैं। पहाड़िया उसको हो चुकी है गुरुग्राम के लिए, ऊपर ठंड है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं वैसे वैसे ज़बरदस्त ठंड लग रही है, और बाइक पूरी स्पीड में चल रही है अपनी, और पीछे आप देख सकते हैं कोई नहीं है, दो बाइकें हैं, एक जो अपने हमें एक पर्सन मिलता जयपुर का, उसके साथ मोनू बाइकों से शुरू कर दिया है, पहले गाड़ी में था, अब हम बाइक पे हैं, हम दोनों एक बाइक पे हैं, वो दोनों एक बाइक पे हैं, और सर्दी लग रही है, हाथ ठंडे हो रहे हैं बिल्कुल, तो भाई लगने वाले हैं फुल निकाल कर।
तो अपा गुलमार्ग पहुंच चुके हैं। गुलमार्ग तो नहीं पहुंचे, गुलमार्ग की यहाँ पार्किंग है, तो यहाँ सभी सा व्हीकल वगैरह, बाइक वगैरह और कार वगैरह सब कुछ यहाँ पार्क करनी पड़ती है, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। ब्यूटी बड़ी खास है यहाँ की, नेचर बड़ा दमदार है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये देख सकते हो ऊपर पूरा बर्फ ही बर्फ है। हाँ, साफ सफाई पूरी है, और यहाँ ना 100% मतलब 100% पॉलीथीन बैन है। तो मेरे को ये ना, ये एक पॉलीथीन भी बड़ी मुश्किल से मिला, तो आपको कहीं भी कोई भी पॉलीथीन नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से पूरा बैन है। और एक यहाँ पे ना आपको ATV मिलेगी, आप इस पर भी इधर घूम सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। बाकी घोड़ों के लिए अलग से बनाया हुआ है, इधर से घोड़े चलते हैं बहुत सारे। तो जितना एरिया मैंने घुमाया है ये सारा गुलमार्ग है, इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। अभी सीजन नहीं है, तो थोड़े दिनों में मतलब जनवरी या फरवरी में, तो यहाँ पे दिसंबर तक तो यहाँ पे बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल। तो जितनी बर्फ ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा नीचे भी होगी, तो अगर किसी को बर्फ़ देखनी हो तो वह ज़्यादा ऊपर जा सकता है, अपने को बर्फ़ का ज़्यादा शौक है नहीं देखने का, तो आप नीचे ही रहेंगे। हाँ, अगर किसी को बर्फ़ देखनी तो ऊपर 9 किलोमीटर है गुलमार्ग से, वहाँ 3 फेस हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, ठीक है। अगर फेस 1 पे नहीं मिलेगी तो फेस 2 पे मिलेगी, अगर फेस 2 पे नहीं मिलेगी तो फेस 3 पे मिलेगी। इस हिसाब से इनके पॉइंट बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से बर्फ़ मिलती है, स्नोफॉल होती है वहाँ पे। बाकी गुलमार्ग इतना ही है ये सारा, और ये सारा पेड एरिया है, आपको हर जगह के लिए पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। तो गुलमार्ग का इतना एरिया है, वहाँ से आप शुरू हुए थे, जहाँ से एंट्री थी, जहाँ से अंदर बाइक नहीं आने देते थे, और यहाँ तक ख़त्म है। बस आगे आप जाओगे तो आपको छोटे छोटे गाँव मिलते रहेंगे, जहाँ के 10 घर होंगे, 20 घर होंगे, इस हिसाब से कई होटल भी मिल जाएंगे आपको। तो अभी थोड़ी बारिश शुरू हुई है, तो ऊपर जो धुंध थी वो थोड़ी हट गई है, तो आपको बर्फ साफ दिखाई दे रही होगी। और ये गुलमर्ग का सबसे ऊंचा स्थान है, जगह है जहाँ से पूरा गुलमर्ग दिखता है। तो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, यहाँ से निकलते हैं, गुलमार्ग आपा पूरा घूम लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, साथ में छोटे छोटे गांव भी हैं, तो किसी को जाना हो तो वहाँ भी जा सकता है। बाकी आपा यहाँ से निकलते हैं, तो फिर से चलेंगे आपा शिकारा में होटल की ओर। चल बैठ मोनू, चल विनोद, दो बार में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलमेट ले हो गए? हेलमेट गए के हाथ में? आप नहीं आ रहे भाई? फट रही है यार, ऐसे मत कर। ज्यादा बिठा ली इसने, ज्यादा बिठा ली है, 200 रुपए ले जाऊंगी मैं यार। हिलो मत, कोई पर्सन मत हिलो। आगे 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 भाई, होटल में आगे। सैंडल भी होता है क्या? अच्छा, हैंडल कहाँ पे है? ऐसे रहता प्रोफेशनल बंदा है। उठना मत ऐसे। उठना मत जब तक वो ना बोले। ये फट्टा सा निकल गया भाई।
दो मिनट रुक जा भाई, मोनू मेरे को जान दे वीडियो बन रही है अगर तू तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और टाटा बाय ओके।